इधर आ, मैंने तुमसे पूछा। मैंने तुमसे ये वाली बात पूछी नहीं। मैंने तुम्हें ये बात बताई कि हम जीते। मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं कि तुम नहीं पूछो तो क्या हो जाए। अच्छा सॉरी सॉरी। तुम ना पूछो जगह पाने स्टैंड था थी यार। इन्हीं जे बाबत थोड़ो बुधायो तो दोस्तन के तो लाइब्रेरी वटिया मतलब थोड़ो असान जी का ही स्टैंड आ स्टैंड जो असन जो जो पर्पस आ वो यो ही आ तो जिके भी सिंधी शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में पढ़न था उनन की एक पॉइंट गद के वणी। ठीक है हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत सही होगी उम्मीद है कि यार तकरीबन अब एक दो दिन के बाद ही वीडियो अपलोड होगा तो तब तक आपका पता नहीं क्या हाल हुआ होगा मतलब दोबारा से। तो खैर लोग को करते हैं स्टार्ट अल्लाह के फजल और करम से। आज फिर कराची यूनिवर्सिटी आए हुए थे हम इवनिंग के टाइम पे, क्योंकि हमें इवनिंग के टाइम पे इधर देखना था कि यहाँ पे मतलब इवनिंग पे रौनके वगैरह हैं या बस वीरान वीरान। तो वही रौनके तो नज़र आ रही हैं सामने सामने। आहा अस्तगफर अल्लाह, मतलब गलत बात नहीं है, सही हूँ। तो चलें ये एंड यहाँ से तो कुछ नहीं, खाली खाली दिखा दें आपको। एंड सॉरी फॉर लेट व्लॉग, मतलब कुछ लेट हो गया हूँ व्लॉग बनाने में क्योंकि यार थोड़ा बहुत बिजी हूँ, इस वजह से कुछ मतलब ज़ाती मसरूफियात हैं कुछ यूनिवर्सिटी की, तो इस वजह से गैस का। एंड इंशाल्लाह आपसे प्रॉपर व्लॉग्स आएंगे। एंड यार लाइक लाजमी कर दिया करें यार। पब्लिक इवनिंग के टाइम पे इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं होता जितना सुबह को होता है, क्योंकि सुबह को रौनक ज़्यादा होती है। इवनिंग के टाइम में बस भाई मतलब ये देख सकते हैं आप, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी वीरान वीरान वीरान। तो पढ़ने वाले लोग आई थिंक इवनिंग को ही ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब हाँ ज़्यादातर क्लासेस सही चलती हैं इवनिंग की। एंड मॉर्निंग का ये सीन है कि मॉर्निंग को ज़्यादा बच्चे होते हैं क्योंकि ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। तो ये भी वही वाला सीन है कि मॉर्निंग को सुबह सुबह ज़्यादा बच्चे होते हैं एंड पढ़ने में उनको मतलब उनका दिमाग आई थिंक काम करता है। वो भाई ख्याल लगने वाली थी बॉल क्योंकि साइड पे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चलें यार बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रहे हैं तो दिखाते हैं आपको चश्के।
का भी हम आ गए थे सिंधी सत शागिर्द की हमने स्टैंड बनाई है, आखिरकार बन गई फाइनली अल्लाह के करम से। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी सिंधी सत शागिर्द के जो फारूक अहमद साहब है वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जानी। वालेकुम सलाम। केड़ा रन जानी खुश आयो थे तभी से सही आ वडी मुबारक आ पेरे तो ताके कैमरा जो ता हर थोड़ो असा के बुदायो इनी बाबत सिंधी शागिर्द सत जगह पांजो पेज ता अल्हम्दुलिल्लाह पांजो आए फेसबुक ते ऐ ही मो पांजो व्लॉग ठाया तो उनी में भी इंशाल्लाह अची तो थोड़ो जगह पांजा नवा दोस्त आए उनके खबर ना थोड़ो बुदायो नी में सब खां पेरे यो आए त असन जी कराची यूनिवर्सिटी में सिंधी शागिर्द सत हिकिड़ी वाहिद नुमाइंदा तनज़ीम आहे जेका सिंधियुनि शागिर्दनि लाइ कमु कंदी आहे। उहा मुसलसिल 2012 खां जेको आहे उहो कमु करे पई ऐं जेके बि सिंधी शागिर्द सतनि सां जेके पंहिंजा मेंबर्स जेका आहिनि सिंधी शागिर्द सत जा उन्हनि सां जेके मसाला मसाइल ईंदा आहिनि उन्हनि खे हल कंदी आहे। उहो लीगली हुजे या मॉरली हुजे या फाइनेंशियली हुजे, मटीरियल्स खपंदा आहिनि या जेके बि हुननि खे नोट्स वग़ैरह या बुक वग़ैरह खपंदा आहिनि त सिंधी शागिर्द सत हुनखे प्रोवाइड कंदी आहे। इवन जो जेके शागिर्द आहिनि छो त असांजी लेवल एतिरी न हूंदी आहे तो उन्होंने छा कह असा जिन दोस्तों की कन्फ्यूजन होंगी या डिफिकल्टीज होंगे तो उनके जे डिपार्टमेंट्स में एक्टिव दोस्त होशियार दोस्त हूँ उनके प्रोवाइड कह ताकि वो उनके सही से टाइम दे सकन जी जिते उन कन्फ्यूजन उनके दूर कर बिल्कुल। स्टैंड जो असो पर्पज है वो यो ही है जिके भी सिंधी शागिर्द कराची यूनिवर्सिटी में पढ़न था उनके एक पॉइंट गद कर वो असो जरियो है मुख्तलिफ़ जरिया पर ये स्टैंड वो असम तमाम बेहतरीन जरियो है जिते पा जिते भी सिंधी स्टूडेंट्स हैं वे पा इतने गर्जी उनमें उनमें बदी जो है सो इजहार थी सके तो मतलब है जिया हां जी जी जिया कहीं जो पीएसएफ वारन जो पॉइंट हो जमीयत वारन जो तो हां असा जो भी मतलब कन्फर्म आदा किथे आदा असा सिंधी शागिर्द सत वेठा है तो इंशाल्लाह पब्लिक है असा जो प्यारो ही दोस्त आ जनरल सेक्रेटरी साईं थी वा मुबारक उन जी अलग टांग दे इतना टाइम कोन मिल सके आ तो इंशाल्लाह पब्लिक ये असा जेके दोस्त दिसन ता ही लाइब्रेरी आ लाइब्रेरी खा हेडा डीएमएस कैंटीन खा चंदा तो हेडा भी अथवे हेडा पीजी कैंटीन थवे हेडा भी अची सको ता जाडा आइंदा असांजी सिंध सती बि विच ते ई आहे त हलो नेक्स्ट पार्ट तव्हांखे ॾेखारियूं। टूर्नामेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मतलब हर डिपार्टमेंट की अलग अलग सिटी में है। और ये शॉट मिस कर दिया, बहुत अच्छी बॉलिंग ग्राउंड में आ गए थे हम, लेकिन इधर कोई मेरे हरामी से दोस्त जो है वो मिल गए साईं। आज हमने बिल्कुल एक मैच जीता है, पहला 4 ओवर्स में हमने अपना 88 रन बनाए तो अगली टीम को हमने 2 ओवर्स में बिल्कुल ढेर कर दिया। इधर आ, इधर आ, मैंने तुमसे पूछा। मैंने तुम्हें पूछा ही नहीं, तुम नहीं पूछो तो क्या हो जाए। सॉरी सॉरी, तुम ना पूछो भी तो हम तुम्हें ओके जानो अशोक बाय। सही है, चल कर ब्रो, ये ले ये ले ये ले, अल्लाह हाफिज़। Oh, oh, oh.
एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बीपीए इसको कहते हैं एंड और क्या कहते हैं इसको डीपीए कहते हैं इसको डीपीए और बीपीए दोनों बीपीए और डीपीए ये मेरा प्यारा दोस्त है शाबाश साहब जो इस डिपार्टमेंट में स्टडी करता है ये वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट है ये मेरा मेरा तो मतलब नहीं हो सका यार मतलब समझ रहे हो ना हाँ बस इस वजह से नहीं हो सका और शाबाश भाई क्या हाल है क्या पढ़ रहे हो क्या पढ़ा रहे हो आज 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 भाई ये नोटिफिकेशन आया ये पढ़ रहा हूँ नोटिफिकेशन आ गया कल यूनिवर्सिटी ऑफ है नहीं नहीं यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं कल यूनिवर्सिटी ऑफ है भाई 23 मार्च हो सकता है हाँ ऑफ है आपको नहीं मिला और क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं देख लो यार इतना प्यारा डिपार्टमेंट है मैं आप लोग को बाहर का व्यू दिखाता हूँ बाहर का व्यू देखो आप लोग ये हो गया मतलब बाहर का व्यू कितना मतलब अमेजिंग यार वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट डिपार्टमेंट मेरा इधर एडमिशन नहीं हुआ लेकिन खैर आएंगे इंशाल्लाह तो हमने बैग पहना हुआ है बैग में कुछ सामान था इस वजह से हम बैग लाए थे वरना लाना तो नहीं चाहिए क्योंकि हम मॉर्निंग के भाई इवनिंग के हम इवनिंग में क्या कर रहे हैं इवनिंग वालों को ये बात मैं सजेस्ट करूँगा कि भाई इवनिंग में लो बड़े मज़े का मतलब समझ रहे हो ना बड़े तेज़ हो गए हो तो मतलब समझ जाओ यार इवनिंग में बड़ा ही मज़ा है इसमें और ये क्लासेस चल रही हैं हेलो हेलो तो भाई चले इलेक्शन नहीं लड़ रहे हम कुछ और ही लड़ रहे हैं तो खैर भाई कैसे भाई ने बोला आज इलेक्शन है कोई इस डिपार्टमेंट में तो अरे हेलो तो चले यार नीचे 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 आपको व्यूज करवाने में पागल हो गया हमारे दिमाग खराब हो गया है यार जबरदस्त जबरदस्त मज़ा आ गया मतलब डी पी ए और डी पी ए पता नहीं क्या क्या बोलते हैं खैर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है इसको आए विजिट करें इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा अब क्या घूम रहे हैं डिपार्टमेंट और क्या मतलब हाँ ये वो जगह है छोड़ो यार उंगली करना छोड़ दो ये मतलब नीचे वाला ग्राउंड तब हम टॉप पे थे तो बोलना आ नहीं रहा हमसे भी लोग क्या होगी खाक तो खैर पब्लिक हेलो प्यारा लाइब्रेरी कहाँ चलो यार लाइब्रेरी देखते हैं चले मतलब जितना इंतज़ार करवाया था भाई ने ना अब वो हो गया है मतलब उसका मज़ा ले लिया हमने क्योंकि बीबीए डिपार्टमेंट भाई है ये सब बहुत ही प्यारा ये फॉर्म ले लिया है भाई के लिए ये इसको सबमिट करवाएगा इसके मतलब फिल करके तो इसको क्या मिलेगा कार्ड हाँ लाइब्रेरी कार्ड मिलेगा इसे तो फिर ये भाई आराम से बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं एंड हम भाई व्लॉग बनाने आए थे हमारा हो गया व्लॉग तो एंड करने हमारे कर 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 पब्लिक हम आ गए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हाँ पब्लिक हम आ गए थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कैंटीन पे सही है भाई बता दे जाओ हम तो यूनिवर्सिटी हमारे डिपार्टमेंट तो वो कोने में तो बता दे जाए मतलब चिल वाला सीन है शाम के टाइम पे भाई जो कहते थे शाम के टाइम पे रौनकें नहीं होती वो देख लो रौनकें जानी हेलो शादी भाई बहुत ही प्यारे दोस्त हैं मेरे और बहुत टाइम के बाद मुलाकात हुई तकरीबन जितना इसने वेट करवाया है मुझे तकरीबन दो तीन घंटे तो मैंने वेट किया था खाली तो उसके बाद आए और फिर भाई अब जूस वगैरह ये वो थोड़ा बहुत खा भी लें उसके बाद मिलते हैं रात के टाइम पर क्या दिखाएंगे आपको बस यही जाओ इवनिंग का टूर हमारा अच्छा रहा हम तो है मॉर्निंग वाले फिर इंशाल्लाह फिर कभी हम अपना भी व्लॉग आपको मॉर्निंग का वो दिखा देंगे
पब्लिक हमें बहुत सी लेट हो गई थी और ये लास्ट वाला गेट था जहाँ से हम निकल रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, तो बस लास्ट वाला सिंगल रिकॉर्ड नहीं कर सके। कॉल आई हुई थी दोस्त की, उसने कहा था जल्दी पहुँचो तो भाई उधर पहुँचना था, तो डेट्स वाई हमने सोचा भाई कुछ रिकॉर्ड करके ना इधर से लगा देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टाटा।